हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आज हम आप दोनों की करंट एनर्जीज देखेंगे। ये डेक से मैं आपके लिए देखूंगी और ये डेक से आपके पार्टनर्स के लिए। सबसे पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती है, क्या चेंज आ रहा है। यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है, चार कार्ड मेरी यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज प्लीज़ बताइए माँ। ओके, दो निकल गए, दो और चाहिए माँ, तीन। ओके, आई टेक इट। स्टार्टिंग में भी आए थे, सो कुछ ना कुछ मैसेज होगा। बहुत लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये 8-8 पोर्टल जो है ना, वो यूनियन का है। जितना आप बैलेंस रहोगे उतना ही आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। चलिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। एक कार्ड आ गया, तीन कार्ड और। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, दो। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, यस। अब मैं क्या बोलूँ आपको, खुशियाँ आने वाली है। ओके, ये दो मैंने निकाल दिया कार्ड। अब पहले मैं आपके लिए देखती हूँ, फिर देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती है, ठीक है। चलिए, नाइन ऑफ वॉन्स, क्यू, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्स, मैं कुछ कार्ड क्लैरिफाई भी करूँगी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर, विथ नाइट ऑफ कप्स, विथ फोर ऑफ वॉन्स एंड लवर्स, ठीक है। I'll just clarify some cards. आज बड़ी रीडिंग शायद थोड़ी लेट आएगी। प्लीज क्लेंस कीजिए। यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, ये तो मैं बता ही सकती हूँ। ओके, आप ओके, सबसे पहला मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है, या आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था, रिश्ता खत्म कर दिया था और आप बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आके, उस बर्डन से बाहर आके आपके लिए स्टैंड ले, और वो हो रहा है। सो दैट इज वन गुड न्यूज, ठीक है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉल्व हो रही है,
और आपको बहुत जल्दी कोई प्रपोजल मिलने वाला है, कोई आपकी तरफ एक्शन देगा, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है? अगर आप अभी नहीं हो तो आपको ये गाइडेंस बोला जा रहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहिए, सैड एनर्जी में मत रहिए। आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही है बट आपको दिख नहीं रहा, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में सक्सेस आने वाले, विक्ट्री आएगा, आपको अबंडेंस मिलेगा, सिंस एटेड पोर्टल इज ऑल अबाउट अबंडेंस एंड एंड यूनियन, राइट? सो आप बहुत लोगों का यूनियन भी हो सकेगा एंड अबंडेंस भी मिलेगा, बट वो मिलेगा कैसे? जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, व्हेन यू कनेक्ट विद द डिवाइन, व्हेन यू अलाइन विद द डिवाइन, व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, आप अलाइन करोगे अपनी एनर्जीज को डिवाइन के साथ और अपनी एनर्जीज एनर्जीज पे फोकस रखोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है? आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, और अगर आप कहीं पे पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं तो वहां पे आपको सक्सेस है, ठीक है? आपकी लाइफ में भी एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है और एक नया साइकिल अब स्टार्ट होने वाला है। यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर कर लिया है, आपकी या तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या तो न्यू लव आ रहा है, बट आ तो जरूर आए कोई, ठीक है? जिस इंसान ने आपको ईगो दिखा के, अब आपको इम्पोर्टेंस ना दे के किसी और को इम्पोर्टेंस दिया था, जो भी लड़का लड़की जो भी आपका पार्टनर, ठीक है, तो वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं ना, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आपने कोई पेशेंस एंड प्लानिंग किया है क्रश के लिए, तो या तो आप मैसेज कर लो या आपको मैसेज आने वाला है, बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, गो गो विद द फ्लो, स्लोली स्लोली। आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, ऑफ कोर्स जितने लोग देख रहे हैं, सारे के सारे तो हो नहीं सकते, इतने सारे लोग देखेंगे, राइट? बट जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से काफी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। अगर आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो तो वो रिलीज हो जाएंगे, अगर आप अपने ट्रू लव से डील कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं विद अ ब्यूटिफुल चेंज, विद अ लॉट ऑफ लव एंड रोमांस, विद ग्रोथ। यहाँ पे एक एनर्जी है कि अगर आप नया घर लेने का सोच रहे थे तो वो भी मिलेगा आपको, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो भी मिलेगा, यस। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ठीक है? देखिए सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, प्लीज मुझे ना ये बहुत लगता है कि आप लोग ना रोज टू डू लिस्ट बनाते हो कि मुझे ये करना है, बट आप करते कुछ नहीं हो, क्यों तो बनाते क्यों? टाइम वेस्ट बनाना, बनाने में भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग? अगर आप बनाते हो तो उसका कुछ तो एटलीस्ट एक तो करो। अगर आप 10 पॉइंटर्स लिखते हो कि मुझे आज 10 चीजें करनी है, उसमें से एक या दो चीजें तो करो, कोशिश तो करो। एंड स्टॉप स्पाइंग योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर को क्यों स्पाई कर रहे हो? देखिए क्यों क्यों स्पाई करना है पार्टनर को, अपनी एनर्जीज पे फोकस रखो। ठीक है, सो ये आपके लिए है, आपकी लाइफ में लव मैरिज रोमांस प्रपोजल आ सकेगा, न्यू प्रपोजल ओल्ड प्रपोजल, ठीक है? आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, जो ईगो दिखा के पीठ दिखा के भागा है वो खुद आएंगे या आएंगी, ठीक है? अगर किसी चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आप कर लीजिए, ये बहुत हैवी गाइडेंस आ रहा है। नॉर्मली मैं किसी को नहीं बोलूंगी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बट अब आ रहा है तो फिर मैं क्या करूं? आप लोगों को सक्सेस मिलने वाला है ढेर सारा, बस आपको ये एनर्जी जो है ना
ये एनर्जी सारी रिलीज करनी है, इनसिक्योर नहीं होना है, ना ही चेज करना है, ट्रैप महसूस नहीं करना है कि क्या होगा आगे, मैं कैसे जीऊंगा या जीऊंगी। नो, आपको अपनी एनर्जीज पे फोकस रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपके पार्टनर्स के लिए चेक करती हूँ। आज मैंने काफी डिटेल में आपको बताया आज की एनर्जीज, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि करंट एनर्जीज आराम से मैं बताऊंगी। हर्मिट, नॉट बैड, सोच रहे अभी। मैजिशियन, ब्यूटिफुल। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर तो काफी बैलेंस दिख रहे हैं। कुछ लोग सॉलिट्यूड में भी है, आपसे बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी में भी है, या कोई डाउट है। यस, उन्होंने आपको छोड़ दिया था। बहुत सारे लोगों को, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, लड़की लड़का जो भी पार्टनर आपके, और वो बहुत उदास है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए और आपको बहुत सारी खुशियां दे के जो वो पहले दे नहीं पाए। एक मिनट, ओके। द फूल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक वॉज एम्प्रेस विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अगर आप लड़के हो तो आपको एम्परर की तरह देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर करते हैं, वो देखते हैं कि आप एंजल ऑफ लव हो, आप उनको अनकंडीशनल लव करते हो, आप हमेशा उनको देते रहते हो, उनका ध्यान रखते हो। बट अब वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मैं ना कुछ का क्लैरिफाई करूंगी, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको ढेर सारी खुशियां देना चाहते, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते आपके साथ, ये रिश्ते को एक नया चांस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, बट थर्ड पार्टी मतलब कोई और इंसान नहीं है, आपके पार्टनर की सोच है। अगर इंसान भी है तो मतलब कोई सेकेंड पार्टनर नहीं है उनका, या सेकेंड पार्टनर नहीं, कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है। ये जब मैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स बोलने वाली थी ना, तभी मेरे मुंह से टू ऑफ वॉन्ड्स निकला। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया। अगर ब्लॉक किया तो वो रिटर्न आ रहे हैं वापस, डेफिनेटली वो रिटर्न आ रहे हैं और स्टेबिलिटी के साथ आएंगे आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्लैरिटी भी देंगे, आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्लैरिटी की। आप क्लैरिटी नहीं मांगोगे, आपके पार्टनर खुद आपको क्लैरिटी देंगे। एट ऑफ कप्स क्यों आया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत लोगों का भी मैसेज आने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पे थर्ड पार्टी मदर इश्यू है, तो उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा है। सो अभी ये तो उनके स्ट्रेंथ के ऊपर है, अगर वो स्टैंड ले सकेंगे आपके लिए तो वो ले लेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों के पार्टनर स्टैंड ले पाएंगे, बिकॉज ये जो 8-8 पोर्टल है ना, वो अभी अभी फिलहाल जो साइन भारी है वो है लियो। लियो इज अ साइन ऑफ पावर, लायन, लायंस गेट है राइट, लायंस गेट इज वॉट, लियो, लियो इज अ साइन ऑफ पावर। सो ऑफकोर्स आपके
पार्टनर के पास स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आएंगी, अभी कितनी आती वो नहीं पता है, अभी वो क्या सोचते उसमें स्ट्रेंथ आएगी। वेटिंग, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो प्लीज बताइए। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्लेम कीजिए ये एनर्जीज को। गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी वीडियो कट हो गया था, बट वो जो भी थर्ड पार्टी में है वो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आप सभी को, आप सबकी लाइफ में ढेर सारा प्यार हो, ढेर सारी खुशियां हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। थैंक यू।